तो ये कुछ सवालात हैं, इसको हम कह रहे हैं, इसका हमने नाम रखा है सेगमेंट का गूगल। ये ऑटो पे हैं आप, मतलब ये खुद ही सवाल करें और खुद ही जवाब दें। ये भी कुछ ये भी जिंदगी में करना पड़ा, खुद ही सवाल खुद ही जवाब। मतलब ये मैं एंजॉय करूंगी, आप लोगों को देखूंगी। टेस्ट ओके पहला सवाल, हाँ, अगर आप अदाकारा ना होती तो क्या होती? तो आप मेरी बेगम होती। हाँ। सही है भाई, जवाब आ गया। ओके आप बताएं आपका सवाल क्या है। ये है भाई, एक आदत जो उन्हें खुद भी पसंद नहीं। आपको अपनी कौन सी आदत है? कौन सी आदत है जो मुझे खुद भी पसंद? हाँ। ये मेरे लिए सवाल नहीं है, इनके लिए के? ये जवाब दे सकती है। आपकी आदत है ना, ये तो आपके बारे में सवाल है ना। भाई तो आदत झेलनी तो इनको पड़ती है ना। हाँ। अच्छा तो आप बताएं आपको क्या लगता है, कौन सी आदत है आपकी? हाँ, कौन सी बताएं? कि जो इनको खुद ही होती हो चिढ़ कभी कभार अपनी इस आदत से। है नहीं मेरा ख्याल, इनको किसी अपनी किसी बात से चिढ़ नहीं होती कभी? होता है ना कभी, जैसे कभी कभार जैसे मुझे लगता है मैं बहुत ज्यादा बोल गई हूँ, अपने आप को रोको निदा, मतलब मेरी आदत है बोलने वाली नहीं वो, तो हाँ। मुझे कभी कभी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अच्छा, वो आपको आदत थोड़ी डिस्टर्ब करती है? वो कभी कभी मुझे ख्याल आता है कि यार ये कुछ ज्यादा ही है, ज्यादा हो। हाँ, वो वाली, इसको जरा जरा कम करो। आप बताए अगला सवाल। नेक्स्ट सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, तमीना अहमद को अपनी जिंदगी में किस एक चीज की कमी महसूस होती है? अब तो कोई कमी महसूस अब कोई कमी माशाल्लाह। आप बताएं, उन्होंने तो अपना जवाब दे दिया। मंजर साहब भाई को जिंदगी से क्या शिकायत रही है? आपको भी जिंदगी से क्या शिकायत रही है भाई? हाँ, 20 साल और मिल जाते तो अच्छी बात। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात। अच्छा, है नेक्स्ट समीना अहमद को ये तो मेरा वैलेंटाइंस का प्रोग्राम होना चाहिए था। कौन सी एक चीज खुश कर देती है आपको? कौन सी एक चीज खुश कर देती है? तो बहुत सारी चीजें खुश करती हैं। जैसे एक चीज क्या एग्जांपल मतलब? दे मुझे मंजर के साथ रहना खुश हो, मैं खुश होती हूँ उसमें। तो मैं तो हर वक्त ही खुशी रहती हूँ ना। हाँ, लेकिन एक कोई छोटी छोटी बात हो ना जिससे एक एक्साइट हो जाती है आपकी जिंदगी। जब इनको कोई फोन आता है कि हाँ। आपा वो फ्लान फ्लान ड्रामा है उसके लिए काम, उसके लिए भी मैं, तो फिर वो ये एक एक्साइटमेंट आता है। हाँ, ग्रेट, आई लव इट। क्योंकि इनको अपना काम जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत, क्योंकि कभी कभार मैंने देखा है बहुत सारी ऐसी सेलिब्रिटीज हैं जिनको होता है अच्छा रिकॉर्डिंग कैंसिल हो गई, ओह ग्रेट जबरदस्त, या शुक्र है ब्रेक मिल गया, शुक्र है वो, लेकिन दिस इज गुड कि आप एक्साइट होती है ना कि आपका पैशन। ये मैं ये समझता हूँ कि जितना भी आदमी शुक्र अदा करे कम है। बिल्कुल सही कह, कि इस उम्र में इनको इतना अभी भी इतना पैशन है इनके अंदर, इतनी हिम्मत है कि इतना काम है माशाल्लाह। और वो और अच्छा काम है, सब अलग, कहीं कॉमेडी है तो कहीं इमोशनल है, वो एक इतनी सारी वैरायटी स्क्रीन पे एक दफा एक साथ कोई नहीं दे सकता माशाल्लाह जो आप देती हैं। लेकिन हाँ, बहुत बड़ी हिम्मत है और मैं करता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत मजा आता है। हाँ। पता है आपको, मैं भी ऐसी हूँ आपकी जैसी, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है हर वक्त बिजी रहना, है ना। हाँ, ये है इनमें है जी। आपकी आपकी बारी। मेरी बारी। जिंदगी का कोई ऐसा लम्हा जो दोबारा जीना चाहते हैं? दोबारा निकाह कर लेते हैं। यही है वो मुझे और कहें आप तो मैं आपका शादी वीक प्लान करूं। पूरा इवेंट इवेंट मैनेजमेंट पूरा इवेंट आप कहें, आप हुक्म करें। Oh my God. एक लफ्ज में अगर बयान किया जाए तो वो क्या होगा? ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल जिंदगी को माशाल्लाह चलें आप जी आपकी बारी। अब ये भी एक अजीब सवाल है। अगर मैं पढ़ दूं मंजर साहब भाई, अगर उदास हो हाँ।
तो उनके किस अंदाज से मालूम हो जाता है कि वो उदास है? आपके किस हर कोई उदास कैसे पता चलता है? चुप हो जाते हैं, बातें कम करते हैं। नहीं, बातें तो फिर मैं बिल्कुल ही नहीं करता। हाँ ना भाई, तो जब उदास हैं तो खामोश। खामोश, यस, यही है इसका जवाब, है ना? हाँ। और ऐसा कम कम होता है या ज्यादा ज्यादा होता है? देखे, ये कभी कभी ये जरूर महसूस होता है कि मुझे वक्त चाहिए होता है अकेला होने का, होने के लिए। क्या आदमी को लगता है कि मुझे अकेला होना चाहिए? हाँ। वैसे भी तो कभी कभी कोई बात हो ना, फिर भी डिप्रेशन होता है, कभी कभार होता है उदास। हाँ। मौसम बुरा है, इधर उधर से कभी भी कोई तबीयत थोड़ी नासाज है, इंसान में चलती है। हर वक्त तो आप एक खुशी या एक हाई पे नहीं रहते। बिल्कुल, जिंदगी एक लाइन तो है नहीं ना, वो तो यूं ही है। तो वो जब आपकी यूं होता है तो उस वक्त आप खामोश हो जाते हैं। हाँ, मतलब कि आदमी यू आर फीलिंग लो। लो, एग्जैक्टली। तो आपको, आप ये चाहते हैं कि थोड़ा सा मुझे अकेले में, अकेला छोड़ दिया जाए। हाँ। तो आप छोड़ती हैं ना अकेला फिर, या आप भांप लेती हैं? ऐसी कोई नौबत नहीं आई है। कहती मुझे बता दें अगर आपने अकेला होना। काफी जब मैं बातें कर लेती हूँ उसके बाद में, मैं कहती हूँ क्या है, बात नहीं करे, चुप चुप है, क्या हो गया है, मुझे बता दिया करें। बता दें, चले आपकी बारी। पुरानी इंडस्ट्री और आज की इंडस्ट्री में क्या चीज मिस करती है? दोनों थोड़ा सा तो फर्क होगा ना दोनों इंडस्ट्रीज में, पहले की और अब की। नहीं नहीं, फर्क तो है, बिल्कुल फर्क है। जाहिर है वक्त वही एक ही जगह में तो नहीं रहता, बिल्कुल, और बदलता रहता है और वक्त के साथ साथ हर चीज बदलती है। तो अब की इंडस्ट्री जो है, पहले एक टेलीविजन था पूरे मुल्क के लिए, और अब इतने सारे चैनल्स हैं, और अब वो वेब सीरीज हैं, यूट्यूब है, नेटफ्लिक्स है, अमेज़ॉन, मतलब बहुत सारी, बहुत सारी ज़्यादा चीज़ें। एक तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है। हाँ। तो और उसके मुताबिक फिर आपको आपके काम में भी फ़र्क आ जाता है। पहले जिस तरीके से एक ही चैनल है और एक ही ड्रामा आपने करना है 3 महीने में, तो हर हफ्ते में, हफ्ते का पूरा दिन, पूरा हफ्ता लगेगा, आप रिहर्सल्स करेंगे, फिर उसकी 3 दिन रिकॉर्डिंग होगी, फिर वो चलेगा, फिर अगले एपिसोड को करें, तो बहुत ज़्यादा फर्क है। अब आप 50-50 एपिसोड, 40 एपिसोड इकट्ठा कर रहे हैं। यस, है ना, फास्ट हो गया बहुत हर चीज़ में। हाँ, बहुत फर्क हो गया, बहुत ज़्यादा फर्क हो गया। बिल्कुल। ओके जी, आपके पास क्या सवाल? खत्म हो गए सवाल? खत्म हो गए, एक रह गया। तो बताएं ना, अपनी जिंदगी को एक जुमले में बयान करें तो क्या होगा? क्या होगा? बड़ा मुश्किल होता है मुझे ये सवाल के जवाब। हाँ। मुझसे भी कोई पूछता, मुझे नहीं, एक अपनी जिंदगी को एक जुमले में कैसे बयान करें? बड़ी सारी जिंदगी होती है। क्या कह रहे हैं? मैं ये कहता हूँ कि अगर हर कीमत पे आपने मुझसे एक जवाब लेना है, तो मैं तो यही कहूँगा कि इंसान मेरी जिंदगी में, मैं अपनी बात करूँगा, किसी और इंसान की बात नहीं कर रहा मैं, क्योंकि ये बड़ी सब्जेक्टिव बात है जी, सवाल। हाँ। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस इंसान की जिंदगी में सोच और गम नहीं है, हाँ, मतलब कि कर्ब नहीं है, कर्ब नहीं है, फीलिंग्स, एग्नी नहीं है, ये दोजख नहीं है, हाँ, जिसने जहन्नम को एक्सपीरियंस नहीं किया है, हाँ, अजियत को, गम को, दुख को, मेरा ख्याल है कि वो जिंदगी नामुकम्मल होती है। क्या प्यारी बात कही है, हकीकत। मेरा तो ये हाँ, वेरी नाइस। कि जितना भी जिंदगी का कोई, अगर क्या कहते हैं कि एक ओरिजिन होता है, एक एक जहाँ से तमाम चीज फूटती है, मैं कहता हूँ वो ये है। ये तो है, अगर ये है तो बाकी चीजें भी आ जाए। If you want to watch more and get updated, so follow AIY Digital's YouTube page.